भारतीय बाजार में हाल में उस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था, जिसमें ये कहा गया कि घरेलू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक इस संभावित खबर पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि वैश्विक चावल बाजार में भारत की हिस्सेदारी 40% है, तो ऐसे में चावल निर्यात पर प्रतिबंध की संभावना से बाजार में हलचल मचना तय है। बाजार जानकारों का कहना है कि देश में खरीफ के मौसम में सबसे अधिक धान की खेती होती है, पर इस बार बारिश की देरी और अनियमितता के कारण प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में धान की बुआई पर काफी असर पड़ा है। कृषि और किसान मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 26 अगस्त तक देश में कुल रोपण क्षेत्र 36.8 मिलियन हेक्टेयर था, जो इस वर्ष 6% कमजोर है और औसत से 7.4% कम है। हालांकि मिलिंग प्रक्रिया के बाद टूटा हुआ चावल बचता है, अच्छा चावल निकल जाता है, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण उत्पन्न हुआ खाद्य संकट ने स्टॉक देखने पर मजबूर कर दिया है। युद्ध के कारण खाद्य सप्लाई पर अंकुश लगा दिया है, टूटे हुए चावल की बहुत अधिक मांग को बढ़ाने का कार्य कर दिया है। गौरतलब है कि चीन और वियतनाम सहित प्रमुख भोजन के खरीदारों ने बाद में भारतीय टूटे हुए चावल की भारी मात्रा में खरीदी की है, जबकि घरेलू फीड उद्योग की मांग में भी वृद्धि हुई है। चीन भारतीय चावल का पारंपरिक खरीदार नहीं है, लेकिन 2022 में एक प्रमुख खरीदार के रूप में बदल गया है। उदाहरण के लिए चीन गैर बासमती चावल के लिए जून में 3,14,485 मिलियन टन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार था। उल्लेखनीय है कि इस बार देश में बारिश की अनियमितता के कारण खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हुई है। धान की खेती पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे बड़े धान उत्पादक राज्यों में धान की खेती का रकबा घट चुका है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस साल धान खरीद का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में थोड़ा अधिक ही रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।